नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस परीक्षा को पास करने के लिए युवा सालों साल अपनी आंखों में सपने सजाए हुए कड़ी मेहनत और लगन के साथ लगे रहते हैं। कई युवा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार अटेम्प्ट ही करने के बाद परीक्षा में सफल हो पाते हैं और तब जाकर इस प्रतिष्ठित नौकरी को हासिल कर पाते। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने 36 लाख रुपए सालाना पैकेज को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने की सोची और उन्हें अपने 4 अटेम्प्ट के बाद फाइनली सफलता मिली और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में सफलता हासिल की। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबिन बंसल जी के बारे में जिन्होंने इस साल की यूपीएससी परीक्षा में 135वीं रैंक हासिल की। दोस्तों अगर हम रॉबिन की बात करें तो रॉबिन ने आईआईटी दिल्ली से भी टेक किया है। वो कॉलेज के वक्त से ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और 2019 से ये एग्जाम दे रहे थे। 3 बार वो मेंस क्लियर कर चुके थे, इस बार 4थे अटेम्प्ट में उन्हें सफलता मिल गई। रॉबिन में बताया कि वो आईपीएस अधिकारी बनकर पुलिस के डंडे की नीति को प्यार में बदलना चाहते हैं। रॉबिन ने इस सफलता का क्रेडिट अपने माता पिता, टीचर्स, शुभचिंतकों और परमात्मा को दिया है। रॉबिन के पिता विजय बंसल ने आज तक से जुड़े बलवंत विक्की को बताया कि रॉबिन को आईआईटी में 36 लाख रुपए का पैकेज मिला था। रॉबिन ने 1 साल तक नौकरी भी की लेकिन फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी। वो बताते हैं कि उनकी बेटी फिलहाल AIIMS में इंटर्नशिप कर रही है और दिसंबर में उसका MBBS पूरा हो जाएगा। रॉबिन की इस सफलता के बाद उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इस बार की यूपीएससी की बात की जाए तो इस बार यूपीएससी की तरफ से जारी की गई रिजल्ट लिस्ट में टॉप 3 स्थान लड़कियों ने हासिल किए हैं। एग्जाम में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑन ऑफ कॉमर्स की इशिता किशोर ने टॉप किया है, वहीं गरिमा लोहिया ने दूसरी और उमा हर्थी ने तीसरी रैंक हासिल की है। यूपीएससी सीएसई 2022 में कुल 933 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 613 पुरुष कैंडिडेट्स और 320 महिला कैंडिडेट्स शामिल हैं। कुल 345 कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं, वहीं 99 EWS, 263 OBC, 154 SC और 72 ST कैटेगरी के हैं। इसके अलावा 178 कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे अगर आपके अंदर मेहनत व परिश्रम करने की क्षमता है तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण रॉबिन बंसल जी हैं जिन्होंने अपने साल के भारी भरकम पैकेज 36 लाख को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने की सोची और अपने 4th अटेम्प्ट में उन्होंने इसको क्लियर कर 35वीं रैंक हासिल की। सो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।